वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, बस आज मेरे साथ यही सीन हुआ। मैंने फेसबुक पे इनका ऐड देखा जिसमें बहुत अच्छी ऑफर्स थी और मैंने सेलेक्ट की। 499 रुपीज़ की एक डील थी जिसमें 2 लार्ज पिज्ज़ा थे, 1 फ्राइज़ पिज्ज़ा था और एक बर्गर था और विद कोल्ड ड्रिंक। मैंने सोचा यार क्यों ना फिर जाया जाए और खाया जाए। फिर मैं यहाँ आ गई और ये लोकेटेड था मुनव्वर चुरंगी, जो कि मेरे घर से नियरेस्ट था। बस फिर मैं आ गई यहाँ पर। बहुत ही छोटी सी शॉप थी इनकी, 4 to 6 पर्सन आ सकते, इससे ज़्यादा लोगों की जगह नहीं थी यहाँ पर। काफ़ी दिन से मैं डाइट पर थी तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार आज तो हो जाएगी पिज्ज़ा पार्टी। तो बस क्या था, फिर आ गया था मेरा ऑर्डर। और जी ऑर्डर कुछ यूँ था। अब इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूँ कि कभी भी ना इस तरह के ऑफ़र में ना मत जाइएगा। आप यकीन माने कि जो चीज़ थी ना वो बराए नाम थी और इतना हार्ड था ये पिज्ज़ा। मुझे तो वैसे ये रूखा सूखा खाना मेरे तो हलक से नीचे नहीं होता। और जैसे कि आपको पता है पेप्सी ये वो तमाम इसराइली ब्रांड से मैंने बायकॉट किया हुआ है, तो इसके साथ मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ले सकती थी क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक थी ही नहीं। उसके बाद वाटर से मैंने इसको थोड़ा सा खाया और पूरा पैक करके घर ले आई। और यकीन मानिए घर वालों ने भी नहीं खाया, अब तक वो फ्रिज में सड़ रहा है।